तो जर्मनी जो थी उसके सारे स्टेट्स अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे। जर्मनी उस टाइम यूनिफाइड नहीं होती, तो हम उसी की स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। ओके, तो जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, नेशनलिस्ट की फीलिंग मतलब नेशनलिस्ट नेशन के प्रति हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो लव है, वो नेशनलिस्ट की फीलिंग है। ओके, सो ये नेशनलिस्ट की फीलिंग इन लोगों में जर्मनी के मिडिल क्लास में आ गई। जर्मनी के मिडिल क्लास में, बिकॉज जर्मनी का जो मिडिल क्लास था ना, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट डेवलप था, और उसमें कंजर्वेटिज़म नहीं था। नाउ द टर्म इज़ व्हाट इज़ कंजर्वेटिज़म, यही ना। सो कंजर्वेटिज़म होता है पुराने ख्याल के, जैसे होते ना पुराने ख्याल, जैसे राजा मोनार्की वाली सोच, मतलब कुछ नए डेवलप, जो डेवलपमेंट चाहते नहीं हैं, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ओके, सो ये लोग कंजर्वेटिज्म नहीं थे, कंजर्वेटिव टाइप नहीं थे। सो ये थे मिडिल क्लास के बारे में अपने नेशनल। तो ये जर्मनी के मिडिल क्लास ने फिर क्या किया, 1848 में नेशनलिस्ट की फीलिंग पूरे जर्मनी के मिडिल क्लास में फैल गई। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो पूरे 1848 में नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी वो पूरे जर्मन मिडिल क्लास में फैल गई, और जिसके जिसमें फिर इन मिडिल क्लास ने सोचा कि हम लोग भी जब फ्रांस क्योंकि नेशनलिस्ट की फीलिंग फ्रांस से आई थी। ओके, हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले स्टार्टिंग में कि फ्रांस जो था उसने कई सारे डेवलपमेंट किए उनकी कंट्री ने, मोनार्की को हटा के, रॉयल फ्लैग हटा के, फिर रॉयल फ्लैग हटा के ट्रिकलर फ्लैग लगाया, फिर उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो वही चीज़ नेशनलिस्ट की फीलिंग इनमें भी आ गई। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमारे जो रीजन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए हैं, उनको एक नेशन स्टेट में डालना, मतलब एक नेशन स्टेट बना देना। नेशन स्टेट मतलब एक नेशन, अब इस जर्मनी का, इस नेशनल का पूरा स्टेट, इन सबको एक कर देना। ओके, तो ये नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, नेशन का स्टेट बनाना चाहते थे। ओके, कौन? जर्मन मिडिल क्लास। तो क्या हुआ, ये काम जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट था, वो काम किसको दिया गया? प्रुशिया को। प्रुशिया को ही क्यों दिया गया? बिकॉज एट दैट टाइम जो प्रुशिया था वो एक तो मतलब जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट वो था, स्टेट था। ओके, और इसमें, और ये ही वो था जो जर्मनी को अपना, मतलब वो मानता था, क्या कहते हैं, कंट्री। प्रुशिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड इसलिए प्रुशिया को लीडरशिप दे दी गई। अब प्रुशिया जो स्टेट था जर्मनी का, वो एक तो स्ट्रॉन्ग भी था, और साथ ही साथ जर्मनी को वो अपना कंट्री मानता था। ओके, तो प्रुशिया को क्या लीडरशिप दे दी गई, किस चीज़ का? मूवमेंट। कौन से मूवमेंट का? द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। इस नेशनल के यूनिफिकेशन का काम प्रुशिया को दे दिया गया, और प्रुशिया के राजा उस समय थे विलियम फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन थे राजा उस प्रुशिया के? तो ये थे विलियम फर्स्ट। ओके, तो विलियम फर्स्ट के चीफ मिनिस्टर थे ऑटोवन बिस्मार्क। कौन थे? ऑटोवन बिस्मार्क। इनकी स्पेलिंग में आप कन्फ्यूज ना होइएगा, ऑटोवन बिस्मार्क, ऑटोवन, कई बार इसकी गलती हुई है, BISAMRCK। ओके, तो ये ऑटोवन बिस्मार्क का स्पेलिंग। ओके, तो क्या हुआ कि ऑटोवन बिस्मार्क, इनको एक और चीज़ कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उससे पहले कि हमारे कंट्री के, मतलब अपने इंडिया के आयरन मैन किसे कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट ऑफ द जो आप लोग व्यूवर्स हैं उनका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो वही चीज़ मैं यह बताना चाहती हूँ कि बिस्मार्क, ऑटोवन बिस्मार्क भी अपने कंट्री के, मतलब जर्मनी के क्या थे? आयरन मैन थे। ओके, तो ये अपने कंट्री के आयरन मैन थे, और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर भी थे, हैं। ओके, आयरन मैन है। तो ये था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने पूरा काम ले लिया, बिस्मार्क को पूरा काम मिल गया कि ये यूनिफिकेशन करेंगे किसका? जर्मनी का।
तो इन्होंने किसका हेल्प लिया उस समय? उस समय इन्होंने हेल्प लिया था प्रुशियन आर्मी का, प्रुशिया के आर्मी का इन्होंने हेल्प लिया था। और इन्होंने उसी के हेल्प से 3 वॉर्स लड़े। ओके, 1864 में इन्होंने पहला वॉर लड़वाया था, किसका? प्रुशिया और डेनमार्क का वॉर लड़ा था। ओके, प्रुशिया और डेनमार्क के बीच में पहला जो युद्ध हुआ था वो 1864 में हुआ था। फिर नेक्स्ट दूसरा युद्ध हुआ 1866 प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसमें इसमें भी प्रुशिया और डेनमार्क में भी प्रुशिया को ही विक्ट्री मिली थी, प्रुशिया ही जीता था। और इसमें भी प्रुशिया की ही विक्ट्री हुई, मतलब तीनों में प्रुशिया की ही विक्ट्री हुई थी। तो प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया हार गया था। और इसमें क्या हुआ कि प्रुशिया को कई सारे कंट्रीज़ मिल गए, कई सारे कंट्रीज़ बोल रही हूँ, कई सारे वो आके स्टेट्स आके इसमें मिल गए, जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया और हैनोवर वगैरह वगैरह, ये सब आके इसमें प्रुशिया में मिल गए, जिससे इसकी यूनिफिकेशन में, जर्मनी की यूनिफिकेशन में काफ़ी हेल्प हुई। फिर 1870 में प्रुशिया और फ्रांस के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर, बहुत भयंकर वॉर हुआ था। और इस वॉर में फ्रांस को करारा जवाब मिला था, करारी हार मिली थी, इसको बहुत बुरी तरीके से हराया गया था। और इसमें भी फ्रांस ने जो भी जर्मनी के स्टेट्स पे कब्जे कर रखे थे उनको जर्मनी ने वापस ले लिया। ओके, तो ऐसे ही कुछ जैसे इसके कुछ जो स्टेट्स हैं उनके नेम हैं, बावेरिया, बेडन, दक्ष, साउथ, हैस, ये वगैरह थे। तो ये कंट्रीज स्टेट्स आके प्रुशिया में मिल गए और फिर इन तीनों की हार हुई और 7 साल में 3 युद्ध लड़े प्रुशिया ने। पहला था डेनमार्क, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा फ्रांस। इन डेट्स याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये था प्रुशिया के। और फिर क्या हुआ कि इन युद्धों के बाद ये जो वॉर्स हुए थे उसमें किसका जीत हुआ था? प्रुशिया का ही। 7 साल में 3 वॉर्स हुए थे, 3 वॉर्स तो आपको बता दी कौन कौन से, तो उसमें प्रुशिया की जीत हुई। और जिसमें प्रुशिया के जो राजा थे कौन थे? विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मनी का राजा, एम्परर घोषित कर दिया गया, एम्परर राजा वगैरह, तो ये पूरे जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया इनको। और यहीं से होता है हमारी जर्मनी का यूनिफिकेशन। सो अगर इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं तो क्या हुआ कि 1848 में जो फ्रांस नेशनलिस्ट की फीलिंग आई थी वो पूरे जर्मन के उसमें क्या कहते हैं मिडिल क्लास में फैल गई, जिसके कारण जर्मन के मिडिल क्लास लोगों ने सोचा कि हम लोग भी अपनी जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे, पूरे देश जो भी स्टेट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं उनको फिर एक करेंगे। एंड देन उसके बाद सो अपना फर्स्ट पॉइंट है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग जर्मन मिडिल क्लास हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन। ओके, तो क्या हुआ, नेशनलिस्ट का जो फीलिंग था वो पूरे जर्मन के मिडिल क्लास में फैल गया इन 1848। ओके, 1848 में पूरे जर्मन के मिडिल क्लास में फैल गया, क्या फैल गया, क्या नेशनलिस्ट की फीलिंग। ओके, जिसमें इन्होंने ट्राई किया, किसने, मिडिल क्लास ने ट्राई किया जर्मन के पूरे डिफरेंट रीजन्स को एक करने का। ओके, सो नेक्स्ट है, प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। एस चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी। तो क्या हुआ, प्रुशिया ने इसका लीडरशिप ले लिया, किसका लीडरशिप, द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, नेशनल इस जर्मन की यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट चल रहा था उसका प्रुशिया ने लीडरशिप ले लिया, पूरा काम हम सब अपने ऊपर संभाल लिया। और उसके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उनको उन्होंने इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट कहा जाता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो मतलब ये पूरा मूवमेंट था उसको उन्होंने ही पूरा ख़त्म किया था, मतलब पूरा संपन्न किया था। ओके, तो प्रुशियन आर्मी की हेल्प से इन्होंने 3 वॉर्स लड़े, 7 साल में 3 वॉर्स लड़े, पहला था ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा था डेनमार्क, फिर तीसरा था फ्रांस। और इन तीनों से वॉर लड़ने के का जो विक्ट्री हुआ वो था प्रुशिया का, प्रुशिया इन तीनों में जीत गए, तीनों वॉर्स में प्रुशिया की ही जीत हुई। फिर जनवरी 1871 में प्रुशिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उन्हें पूरे जर्मनी का
एम्परर घोषित कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया, वो भी किस में, वर्सेल की एक सेरेमनी था उसके अंडर में इनको 18 जनवरी 1871 में पूरे वो जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।